वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस में सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायलों से मुलाकात की। बता दें कि घायलों से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वहीं राज्य सरकार हादसे के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। वहीं दरअसल इस कार्यक्रम में प्रवचन देने आए सज्जन की कथा पूरी होने के बाद जब वे मंच से नीचे उतरे तो महिलाओं का एक समूह उन्हें छूने के लिए आगे आया, फिर उनके पीछे भीड़ लग गई। वहीं इस दौरान वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रही। जो अभी हादसा है इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, सांझापुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदसर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक सौ इक्कीस में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर हैं।